हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू RMS क्लासेस। आई होप सभी ने दिवाली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की होगी और अब दोबारा से हम पढ़ाई के मूड में आते हैं। दो दिन से मैं भी लेक्चर अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, तो अब हम कोशिश करूँगी कि मैं डेली लेक्चर जो है वो अपलोड कर सकूँ। आज हम लेक्चर लेंगे कैलकुलस का, और अगर मैं कोशिश करूँगी अगर एल्जेब्रा का लेक्चर भी अपलोड कर पाती हूँ, देन आज कैलकुलस के हम करेंगे 2.4th एक्सरसाइज। इसके मैंने 10 क्वेश्चन आपको करवाए थे और लास्ट के 3-4 क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद हम 2.5 भी इसी लेक्चर में कवर करेंगे, यानी कि 2.4 एंड 2.5 दोनों एक्सरसाइज आज हम यहाँ पे करेंगे। देखिए 11th क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ़ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज टू पावर एन, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई एन प्लस टू, एन प्लस टू डेरिवेटिव प्लस टू एक्स वाई एन प्लस वन माइनस एन इंटू एन प्लस वन वाई एन इक्वल टू जीरो। यानी आपके पास ये वाई दे रखा है फंक्शन ऑफ एक्स, और आपको लेबनीज रूल से आपको यहाँ पे प्रूव करना है। यहाँ पे देखिए वाई एन प्लस टू, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर वाई एन प्लस टू पूछ लिया जाता है तो पहले आप सेकंड डेरिवेटिव तक फाइंड आउट करेंगे। मीन्स सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मीन्स हमें चाहिए सबसे पहले वाई वन एंड वाई टू। चलिए वाई वन निकालिए यहाँ से, वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव इज अ वाई वन, डेरिवेटिव करेंगे एन पावर एन माइनस वन रह जाएगा यहाँ से, एंड जब बेस का डेरिवेटिव करते हैं दिस इज 2x। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि जो y1 आप निकाल चुके होते हैं यहाँ से, देन यहाँ पे थोड़ी सी सिंप्लीफाई करके इसको शॉर्ट फॉर्म में बनाते हैं। शॉर्ट फॉर्म कैसे बनता है, मैंने आपको बताया था कि अगर अपॉन में टर्म आ जाती है यानी डिनोमिनेटर मिलेगा तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए या फिर एलसीएम लीजिए। अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हम इसको y बना सकते हैं। y के लिए हमें क्या चाहिए, n पावर चाहिए, बट हमारे पास क्या है, एन माइनस वन। अगर मैं बॉथ साइड मल्टीप्लाई कर देती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वन से, तो हमें एक्स स्क्वायर माइनस वन इज टू पावर एन मिल जाएगा, और उसको हम वाई पुट कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन ऑन बॉथ साइड, मल्टीप्लाई कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई वन इक्वल टू एन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज टू पावर एन माइनस वन हमारे पास ऑलरेडी है इंटू टू एक्स, दिस इज इक्वल टू एन इंटू, अगर मैं पावर ऐड करती हूँ एन माइनस वन एंड वन, दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज टू पावर एन। इसकी एक पावर और इसके एन माइनस वन पावर ऐड करेंगे तो एन पावर हो जाएगी। ठीक है, एंड दिस इज टू एन एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई वन। अब हम सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पे हम इसको रख सकते हैं टू एन इंटू एक्स इंटू वाई, ये वैल्यू बन जाती है हमारी वाई की वैल्यू। ठीक है, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए एंड वाई वन इज दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब आप इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यू इंटू भी अप्लाई कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई टू, एंड जब मैं इसको एज इट इज़ रख के इसका डेरिवेटिव करती हूँ दिस इज़ टू एक्स वाई वन एज इट इज़, देन राइट हैंड साइड पे अब इसका नहीं करेंगे, हम इसका डेरिवेटिव करते हैं एक्स इंटू वाई, टू एन इज़ अ कॉन्स्टेंट, एक्स और वाई का डेरिवेटिव करते हैं तो यू इंटू वी मेथड से एक्स एज इट इज़ वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा वाई वन एंड प्लस एक्स का डेरिवेटिव वन वाई एज इट इज़। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई टू प्लस, क्योंकि y1 की टर्म यहाँ पे भी है और लेफ्ट हैंड साइड पे भी, और इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, देन 2x दिस इज माइनस 2nx y1 माइनस 2n इंटू वाई इक्वल टू जीरो। यानी इस टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए हैं, माइनस की हो जाती है एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई टू। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, इसमें कॉमन निकाल सकते हैं x इंटू टू भी कॉमन आ जाएगा एंड एक्स वाई वन भी कॉमन आ जाएगा, देन यहाँ से रहेगा वन माइनस यहाँ से एन, और एक्स इंटू वाई वन कॉमन आ रहा है माइनस टू एन वाई इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब यहाँ पे लेबनीज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमें चाहिए वाई एन प्लस टू, डिफ्रेंशिएट एन टाइम्स बाय लेबनीज रूल बोल लीजिए, थ्योरम बोल लीजिए। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए दिस। अब यहाँ पे आपको यू और वी, जैसे हम लेबनीज थ्योरम अप्लाई करते हैं देन इसको हम वी लेके चलेंगे
एंड इसको u लेके चलेंगे ताकि डेरिवेटिव जो हो वो कैंसिल आउट हो जाए. फर्स्ट y 2 u का nth डेरिवेटिव एंड v एज इट इज x square माइनस 1 एज इट इज. नेक्स्ट इज एन सी 1 y 2 का डेरिवेटिव n माइनस 1 यानी कि u का डेरिवेटिव n माइनस 1 और v का डेरिवेटिव इज 2x प्लस एन सी 2. दिस इज y 2 डेरिवेटिव n माइनस 2 टाइम एंड इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2, 2x का डेरिवेटिव 2. ठीक है, नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे x इंटू वाई 1 पे. x इंटू वाई 1 ये कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले लेते हैं. 2 इंटू 1 माइनस n x इंटू वाई 1 पे अप्लाई करते हैं. x को आप v लेंगे, y 1 को u लेके चलेंगे. देन y 1 n डेरिवेटिव v एज इट इज यानी कि x एज इट इज एन सी 1 y 1 का डेरिवेटिव n माइनस 1 टाइम एंड x का डेरिवेटिव करेंगे 1 आ जाएगा और इसके बाद इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. एंड लास्ट टर्म इज 2n y, इसका n डेरिवेटिव आ जाएगा 2n y n इक्वल टू 0. अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए. y 2 का n डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे? y n प्लस 2. ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एन सी 1 होता है n, यहाँ से आ जाएगा 2 एन एक्स. वाई 2 का n माइनस 1 है डेरिवेटिव, ऐड करते हैं उस फिक्स को, यह आ जाएगा n प्लस 1. एन सी 2 का मीनिंग होता है n इंटू एन माइनस 1 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ से आ जाएगा n इंटू एन माइनस 1 और y n, 2 से यहाँ पे ऐड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, 2 टाइम 1 माइनस n, ये कॉन्स्टेंट हमने बाहर ले रखा है, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं. दिस इज x इंटू वाई एन प्लस 1 प्लस n इंटू वाई एन, ऐड करेंगे फिर से 1 से 1 कैंसिल, माइनस 2n y n इक्वल टू 0. अब आप इनको कॉमन ले सकते हैं, y n प्लस 1 ये टर्म इकट्ठा करेंगे, y n प्लस 2 x स्क्वायर माइनस 1 प्लस, ये आप कॉमन ले लीजिए और इस कांस्टेंट को भी मल्टीप्लाई करना है साथ में, ये नहीं भूल जाना, x इंटू वाई एन प्लस 1 यही कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है, समझ गए? जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 कॉमन आ रहा है, x दोनों के साथ है, yn प्लस 1 दोनों के साथ है, देन यहाँ से रिमेनिंग फैक्टर इज n एंड यहाँ से 1 माइनस n. क्लियर? इन दोनों टर्म से हमने इसको मल्टीप्लाई भी कर लिया और कॉमन भी ले लिया. ठीक है, प्लस yn की टर्म्स देखिए, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तीन टर्म है yn की. ओके, देन कॉमन निकाल लीजिए आप yn को और यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, एन स्क्वायर माइनस एन, यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस 2n और n भी है इसके साथ, n इंटू देन 2n माइनस 2n स्क्वायर, यहाँ पे मतलब 2n हो गया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2n स्क्वायर और एक हमारा यहाँ से आ जाएगा माइनस 2n. ठीक है, कॉमन ये 0 आ जाएगा. अब चेक करते हैं, 2n से 2n कैंसिल एंड यहाँ से n से n कैंसिल. जो प्रूव करना है वो देखिए, y n प्लस 2 x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x y n प्लस 1, 2x आ गया हमारे पास ये, और यहाँ से टर्म देखते हैं, हमें चाहिए n इंटू n प्लस 1, मिल जाएगा यहाँ से n इंटू n प्लस 1. ओके, इसको सॉल्व कीजिए, दिस इज एन स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से बचेगा आपके पास n स्क्वायर, यहाँ से आएगा n, दोनों का माइनस कॉमन ले लिया, इक्वल टू वाई एन. यही आपको प्रूव करना था, आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं n, n प्लस 1 आ जाएगा इंटू वाई एन, लास्ट टर्म जो दे रखी है और ये एज इट इज, और यही स्टेटमेंट आपको यहाँ से प्रूव करनी थी. ठीक है, क्वेश्चन 12th, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर एक्स, शो बाय लेबनीज थ्योरम, आपको प्रूव करना है डी एट वाई अपॉन डी एक्स एट, दैट मीन्स y का 8th डेरिवेटिव, आठवां डेरिवेटिव
लेबनिज थ्योरम आपको अप्लाई करनी है यहाँ पे, और आठवां डेरिवेटिव इक्वल टू होना चाहिए 28 इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मीन्स दिस इज सेकंड डेरिवेटिव, दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव एंड ये y की वैल्यू, ठीक है। आपको लेफ्ट और राइट साइड इक्वल शो करनी है बट बाय लेबनिज थ्योरम। यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं n टाइम्स बाय लेबनिज थ्योरम, डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये आपका v हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड दिस इज u e रेस्ट टू पावर x, देन डी एन वाई बाय डी एक्स एन, एन एन डेरिवेटिव निकाल रहे हो, आप इसको वाई एन भी लिख सकते हो, वाई एन दैट मीन्स डी एन वाई बाय डी एक्स एन, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू n। यहाँ से सॉल्व कीजिए, u n यानी कि इसका एन एन डेरिवेटिव करेंगे यही आएगा v एज इट इज प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन ई रेस्ट टू पावर एक्स इज एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस एन सी टू ई रेस्ट टू पावर एक्स इंटू टू, देन इससे नेक्स्ट टर्म हमारी जीरो हो जाएगी, ठीक है। डी एन वाई डी एक्स रेस्ट टू पावर एन दिस इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, एन सी वन इज एन दिस इज टू एन एक्स ई रेस्ट टू पावर एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाय टू इससे कैंसिल हो जाएगा, ई रेस्ट टू पावर एक्स ही आ जाएगा, ठीक है। अब आपको वैल्यू चाहिए एट्थ डेरिवेटिव, सेकेंड एंड फर्स्ट। अब हम दोबारा से डेरिवेटिव नहीं करेंगे, हमें यहाँ से एन एन डेरिवेटिव मिल जाता है, यहाँ पे मैं एन की वैल्यू अगर एट रखूँगी तो हमें लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगी, टू रखती हूँ तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, और अगर वन रखती हूँ तो डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा, ठीक है। अब रखिए यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं इसको, एन इक्वल टू एट टू वन पुट इन फर्स्ट, एन की वैल्यू रखेंगे, देन अगर मैंने एट रखा देन डी एट वाई अपॉन डी एक्स रेज टू पावर एट इक्वल टू, यहाँ पे पुट करते हैं एज इट इज, एन यहाँ पे है, यहाँ पे हमें एट पुट करना है, देन सिक्सटीन एक्स ई रेज टू पावर एक्स प्लस अगर आप यहाँ पे रखते हैं एट इंटू सेवन, एट माइनस वन जो सेवन फिफ्टी सिक्स ई रेज टू पावर एक्स, ठीक है। अगर हम टू पुट करते हैं देन हमें सेकेंड डेरिवेटिव मिल जाएगा, यहाँ से टू पुट करिए, यहाँ पे ये एज इट इज आएगा, इसके पास एन नहीं है, यहाँ पे रखते हैं फोर एक्स ई रेज टू पावर एक्स प्लस टू इंटू टू माइनस वन इज टू ई रेज टू पावर एक्स, और अगर आप वन पुट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं तो एन की वैल्यू हम वन रखेंगे, ये एज इट इज आ जाएगा, प्लस वन रखते हो तो टू एन एक्स भी है, टू एन एक्स सॉरी एन की वैल्यू तो हमने वन रखी ली, एक्स ई रेज टू पावर एक्स, और यहाँ पे अगर आप वन रखते हैं देन ये टर्म जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमें वैल्यूज मिल जाती है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देख सकते हैं, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है मीन्स दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर सेकेंड, सेकेंड इक्वल टू आनी चाहिए राइट हैंड साइड के। अब आप राइट हैंड साइड सॉल्व कर सकते हैं इजीली, 28 डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, 28 इंटू वैल्यूज रखिए यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव के, ई रेस टू पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर फोर एक्स प्लस टू ई रेस टू पावर एक्स, ई रेस टू पावर एक्स कॉमन भी निकाल सकते हो आप, एंड 48 डी वाई बाई डी एक्स ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स ई रेस टू पावर एक्स प्लस 21 वाई इज एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू पावर एक्स, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और ये हमारी इक्वल आनी चाहिए लेफ्ट हैंड साइड की, हम राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, 28 यहाँ से 21 यहाँ से और माइनस 48 यहाँ से, ठीक है। 28 एंड 21 इज अ 49 और 49 में से 48 माइनस करोगे देन क्या आ जाएगा यहाँ से ई रेज टू पावर एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट टर्म इज एक्स ई रेज टू पावर एक्स, एक्स ई रेज टू पावर एक्स ये टर्म है एंड ये टर्म है, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कीजिए 48 इंटू टू और यहाँ पे है 28 इंटू फोर, सॉल्व करेंगे 28 इंटू फोर एंड 48 इंटू टू, ये माइनस है ये प्लस है, ठीक है। 28 इंटू फोर इज 112 और यहाँ से आ जाएगा 96 माइनस करेंगे, 96 माइनस कर रहे हैं ये आ जाएगा प्लस का 16 एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स, और देन ई रेज टू पावर एक्स की रहती है 28 इंटू टू इज 56 ई रेज टू पावर एक्स विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन यानी कि दिस इक्वेशन, ये आप थर्ड ले सकते हैं, देन सेकेंड इक्वेशन इक्वल टू थर्ड यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।
14 देखिए, इफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ लॉग ऑफ वाई बाई ए, ये कंप्लीट आपको साइन का एंगल दे रखा है और आपको प्रूव करना है 1 - x²y(n+2) मीन्स आपको वही nth डेरिवेटिव निकालना है वाई वन और टू निकालने के बाद nth अप्लाई करेंगे लेबनीज रूल से, ठीक है। देन इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो एक्स इक्वल टू दिस फंक्शन दे रखा है, यानी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई, आप इसको लिख सकते हो कि x की जो फंक्शन है वो y में दे रखा है और हमें चाहिए क्या yn+2, दैट मीन्स हमें चाहिए dn+2y/dxn+2, मीन्स y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x चाहिए और इसके लिए मुझे फंक्शन बनाना पड़ेगा y=f(x), ठीक है। क्वेश्चन तो वही है बट थोड़ा सा कंफ्यूज कर रखा है, यहाँ पे x फंक्शन y का दे रखा है बट हमें क्वेश्चन निकालने के लिए y का फंक्शन x में चाहिए। तो इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लो, साइन को सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए, ये बन जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल टू टर्म रह जाती है लॉग ऑफ y बाय a, a से हम इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये डिवाइड में ही इधर आके आ जाएगा a इंटू साइन इनवर्स x इक्वल टू लॉग ऑफ y, और अगर हमें लॉगरिथम कैंसिल करना है क्योंकि हमें y की वैल्यू निकालनी है x फंक्शन में, इसलिए जो भी टर्म इधर राइट हैंड साइड पे उसको लेफ्ट पे शिफ्ट कर दीजिए। अगर मैं लॉगरिथम कैंसिल करना चाहती हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे e बेस अप्लाई करना पड़ेगा, देन e रेज टू पावर a साइन इनवर्स x इक्वल टू y, दैट फंक्शन इज y फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो ये हमारी y फंक्शन आ जाता है x की टर्म में। अब यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो इजीली, ये जो आप पीछे क्वेश्चन कर चुके हो एज इट इज वही बन जाएगा e रेज टू पावर a इंटू साइन इनवर्स x, वही आप y1 निकालेंगे यहाँ से e रेज टू पावर a साइन इनवर्स x, फिर आप पावर का डेरिवेटिव करेंगे अंडर रूट ऑफ 1 - x², हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन स्क्वायरिंग करेंगे फिर दोबारा से डिफरेंशिएट, यानी पीछे वाला क्वेश्चन आप इजीली ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ ये मैं यहीं पे छोड़ रही हूँ, इसको आप खुद ट्राई करना। क्वेश्चन 14 देखिए, कॉस इनवर्स वाई बाय बी इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स बाय एन रेज टू पावर, इसमें भी आपको लेबनीज से ही प्रूव करना है, स्टेटमेंट मैंने लिखी नहीं है क्या प्रूव करना है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करवा देती हूँ। यहाँ पे भी आपको वही करना पड़ेगा कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा, कि y को हम लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ हमारा y होना चाहिए, ठीक है। करिए सॉल्व, लॉगरिथम में जो एंगल की पावर होती है इसको आप लिख सकते हो, सबसे पहले तो आप कॉस को राइट पे लेके जाइए, इधर रह जाएगा वाई बाई भी, इधर इनवर्स है तो राइट हैंड साइड पर जाके कॉस में चेंज हो जाएगा और ये जो पावर है ये आ जाएगी एन इंटू लॉग ऑफ एक्स बाय एन, लिख सकते हो जिसे प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, लॉगरिथम में अगर एंगल की पावर होती है तो आप लॉग से आगे शिफ्ट कर सकते हैं, वाई की वैल्यू निकाल सकते हो बी इंटू कॉस ऑफ एन लॉग ऑफ एक्स बाय एन, ठीक है। अब यहाँ से आप सबसे पहले वाई वन निकालिए, वाई वन बी इंटू कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एन इंटू लॉग ऑफ एक्स बाय एन, एंड फिर हम करेंगे कॉस के एंगल का डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव आ जाएगा एन इंटू लॉग ऑफ इस एक्स बाय एन का करेंगे तो 1/n, ठीक है। लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, और जब हम इसका एंगल का करते हैं, अभी तक हमने लॉगरिथम का किया, लॉगरिथम के एंगल का भी करना पड़ेगा ना, ये आ जाएगा 1/n, ठीक है। कैंसिल आउट, एन से एन कैंसिल हो जाएगा और ये सारा चल रहा है साइन, एक सेकेंड, साइन का एंगल आएगा यहाँ तक, यानी कि ये टर्म हमारी एक टर्म है, इसके बाद हमने कोस के एंगल का डेरिवेटिव किया फिर लॉगरिथम के एंगल का डेरिवेटिव किया, ठीक है। देन वाई वन की वैल्यू आ जाती है माइनस बी साइन ऑफ एन इंटू लॉग ऑफ एक्स बाई एन इंटू, आप इसको रिवर्स कर सकते हो एन बाय एक्स लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से जो अपॉन की टर्म जो डेनोमिनेटर है इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स इंटू वाई वन इक्वल टू माइनस बी इंटू एन को आप आगे ले आइए कॉन्स्टेंट है साइन ऑफ एन इंटू लॉग ऑफ एक्स बाई एन। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू वाई नहीं रख सकते बिकॉज वाई हमारा था कॉस में, ठीक है। इसको कॉस में लाने के लिए हमें फिर से, क्योंकि हमें वाई टू तो चाहिए, जो स्टेटमेंट आपको प्रूव करनी है मैं अभी लिख देती हूँ क्या प्रूव करना है, उसमें हमें yn+2 तो निकालना ही है yn+2, तो इसके लिए हमें y2 फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी सेकंड डेरिवेटिव। तो जैसे ही आप सेकंड डेरिवेटिव करेंगे साइन कॉस में चेंज हो जाएगा और वहाँ पे हम y शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। इसको करिए डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, करते हम x एज इट इज y1 का डेरिवेटिव y2 प्लस x का डेरिवेटिव 1 y1 एज इट इज,
माइनस बी एन कॉन्स्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस, एन इंटू लॉग ऑफ एक्स बाई एन इसका एंगल है एज इट इज आएगा, और फिर हम साइन के एंगल का डेरिवेटिव करते हैं एन इंटू लॉग ऑफ एक्स बाई एन, दिस इज वन अपॉन एक्स बाई एन इंटू इसके एंगल का करेंगे तो वन बाई एन, एन से एन कैंसिल। अब यहाँ पे आप पुट कर सकते हो y बाय बी, यानी कि अगर मैं y की वैल्यू निकालती हूँ तो b ये रहा हमारे पास y b इंटू कॉस ऑफ ये जो एंगल दे रखा है इसके प्लेस पे आप y पुट कर सकते हैं, यानी कि दिस b एंड दिस कॉस ऑफ। तो यहाँ से आप लिखोगे एक्स वाई टू प्लस वाई वन इक्वल टू माइनस b, यहाँ पे शिफ्ट हो गया y में चला जाएगा, और इसको आप रिवर्स कर लीजिए n इंटू एन इज एन स्क्वायर एंड दिस इज y बाय x, समझ गए, ये डिवाइड में x था और b इंटू कॉस को मैंने यहाँ पे y पुट कर दिया और n को जो मल्टीप्लाई कर लिया एन स्क्वायर से जो रिवर्स करके, ठीक है। आप x से फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर वाई। अब ये पीछे वाला क्वेश्चन बन जाता है। अब आप इजीली लेबनीज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, पहले दिस पार्ट पे एंड दिस एंड दिस, फिर आप सॉल्व जो प्रूव करना है वो इजीली निकाल सकते हैं। क्वेश्चन 15 देखिए, लास्ट क्वेश्चन, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में ही y की वैल्यू में ही जो डिनोमिनेटर में टर्म मिल जाती है, तो आप पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करिए यहाँ से, देन आप इसको लिख सकते हो y इंटू, मैं लैंग्वेज नहीं लिख रही हूँ, सबसे पहले आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए y इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, अंडर रूट कैंसिल करना है, क्योंकि हमें जो प्रूव कर रहे हैं यहाँ पे अंडर रूट नहीं चाहिए। देन स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे आप स्क्वायर करते हो, स्क्वायर अप्लाई कर दिया हमने, ये आ जाएगा वाई इन वाई स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ से, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई स्क्वायर एज इट इज इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा वन माइनस टू एक्स प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका आ जाएगा टू इंटू वाई इंटू वाई वन, ठीक है। इक्वल टू हम यहाँ पे करते हैं, टू पावर आगे साइन इनवर्स एक्स की पावर वन रह जाएगी इंटू, आप साइन इनवर्स एक्स का यानी बेस का डेरिवेटिव करेंगे, दिस इज वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से देखिए टू थ्रू आउट कैंसिल हो रहा है एंड वाई ये आ जाएगा, इस टर्म को आप आगे लिख लीजिए वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई इंटू वाई वन माइनस टू तो कैंसिल कर दिया हमने, यहाँ से आ जाएगा एक्स इंटू वाई स्क्वायर, और यहाँ से देखिए साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप यहाँ से वैल्यू रख सकते हो इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम वाई पुट कर सकते हैं, तो इसको मैंने लिख दिया वाई, अंडरस्टैंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं वाई थ्रू आउट कैंसिल हो रहा है, एक पावर कैंसिल वाई कैंसिल, रिमेनिंग फैक्टर इज वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई वन माइनस एक्स वाई इक्वल टू, वाई कैंसिल हो चुका वन रह गया हमारे पास, यहाँ पे जीरो नहीं कर देना, तो यहाँ पे इसको कैंसिल करके जीरो कर दो, क्योंकि ये इधर आके डिवाइड होता है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन नहीं है ये। फिर से डिफरेंशिएट करेंगे हम, क्योंकि हमें चाहिए सेकेंड डेरिवेटिव, ओके, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस टू एक्स, इसका डेरिवेटिव माइनस टू एक्स y1 वन एज इट इज माइनस एक्स इंटू वाई वन माइनस एक्स का डेरिवेटिव वन और y एज इट इज इक्वल टू जीरो। से हम थोड़ी सी और सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, y2 टू वाई वन को आप इकट्ठा कर लीजिए टू टाइम एंड वन टाइम, दिस इज अ थ्री टाइम माइनस के दोनों x इंटू वाई वन माइनस वाई इक्वल टू जीरो। अब आगे जो क्वेश्चन है वो आप इजिली कर सकते हो, n डेरिवेटिव आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, दिस टर्म एंड दिस टर्म, और y का हो जाएगा वाई एन, यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं पहले बहुत सारे करवा चुके हूँ, तो आगे आप इसको खुद प्रोसीड कीजिए। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.5। जो 2.4 एक्सरसाइज के एज इट इज क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको एक क्वेश्चन कंप्लीट करवा देती हूँ, ताकि आपके मेथड क्लियर हो जाए और बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, बाकी सारे क्वेश्चन आप एज इट इज कर सकते हैं, ठीक है, मेथड क्लियर होना चाहिए।
आपके पास दे रखा है y इक्वल टू साइन इनवर्स x, और प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू। ये पीछे वाला क्वेश्चन ही है, एज इट इज आ भी चुका है ये एक्सरसाइज में। ये जो आपको प्रूव करना है कंप्लीट बाय लेबनीज थ्योरम, बट जो यहाँ पे पूछ रखा है कि वाई एन की वैल्यू 1 एक्स इक्वल टू जीरो, ये कैसे फाइंड आउट करनी है, देखिए यहाँ पे y इक्वल टू साइन इनवर्स x। सबसे पहले हम y1 फाइंड आउट करते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने। इसके बाद मेथड क्या था, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y1 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, देन स्क्वायरिंग बिकॉज अंडर रूट आ रहा है यहाँ पे, y1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख नहीं रही हूँ, सॉल्व करवा रही हूँ फटाफट, बहुत लेंथी क्वेश्चन है। देन अगेन डिफ्रेंशिएट कीजिए, एक हमने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया है और यहाँ पे हमने किया है स्क्वायरिंग, ठीक है, और यहाँ से दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं, y1 स्क्वायर, पहले आप इसको एज इट इज रखिए क्योंकि हम जो प्रूव कर रहे हैं ना सिमेट्री बन जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू y1 इंटू y2, और माइनस 2x इंटू y1 स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पर हो जाएगा 0। जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकालिए, 2 इंटू y1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस 2 कॉमन आके 0 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एक्स वाई वन इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, प्रूव करने के लिए एन डेरिवेटिव बाय लेबनीज थ्योरम, ठीक है, यहाँ पे अप्लाई कीजिए आप लेबनीज थ्योरम, दिस इज u एंड v, u का डेरिवेटिव nth डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, वाई एन प्लस टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, प्लस nc1 होता है, मैं माइनस इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि जब मैं इसका डेरिवेटिव करूँगी तो माइनस 2x आएगा, ठीक है, एन सी वन इज एन, और इसका डेरिवेटिव एन माइनस वन एन प्लस वन हो जाएगा, और यहाँ से जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे ये आएगा 2n इंटू एक्स, समझ गए, n हमारे पास ऑलरेडी था यहाँ से एन सी वन का, और नेक्स्ट टाइम आ जाएगा जो है वो माइनस 2, पहले प्लस कर लेते हैं, दिस इज n इंटू एन माइनस 1 बाय 2 वाई एन, वाई टू का एन प्लस माइनस टू का डेरिवेटिव इज वाई एन, और जब हम इसका करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव, मीन्स हमें चाहिए माइनस टू एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस टू। अब हम सेकेंड फैक्टर का करते हैं, माइनस दिस इज यू एंड दिस इज वी, ठीक है, यू का डेरिवेटिव एन एनथ करेंगे एन प्लस वन, वी एज इट इज, क्योंकि बाहर माइनस चल रहे हैं, माइनस एन इंटू y1 का डेरिवेटिव n माइनस वन वाई एन आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। अब आप इसको इकट्ठा कर लीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू, एंड यहाँ से हमें वाई एन प्लस वन और वाई एन प्लस वन कॉमन निकल रहा है, x भी कॉमन आ रहा है, माइनस भी, देन 2n प्लस वन इंटू एक्स वाई एन प्लस वन, एंड यहाँ से प्लस ये माइनस की टर्म आएगी, माइनस और प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है, दोनों का माइनस कॉमन आ रहा है और वाई एन कॉमन आ रहा है, और यहाँ से आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन, और यहाँ से आ जाएगा प्लस एन क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, इक्वल टू 0, कैंसिल आउट, एन स्क्वायर वाई एन यही आपको चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो एन स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। ये प्रूव हो गया हमारा। अब हमें वाई एन की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले देखिए वाई एन की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, वन एक्स इक्वल टू 0, हमें x को यहाँ पे 0 पुट करना है, जो वाई वन की वैल्यू है इसको आप इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, वाई टू की इक्वेशन दिस इज सेकंड एंड दिस इज इक्वेशन थर्ड। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन में x को आप 0 पुट कीजिए, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। फिफ्थ एक्सरसाइज में ये जो आपके पास है मैथड, यहाँ तक तो सेम है 2.4, इसके बाद ये अलग आता है, ये अच्छे से समझ लेना। एक्स को हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा वाई वन स्क्वायर वन माइनस 0 इक्वल टू 1 फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो वाई वन स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि वाई वन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1, ठीक है। ये कब निकाला हमने, जब हमने एक्स को 0 रखा, तो आप इसको लिख सकते हो y1 0 इक्वल टू 1, मीन्स जब मैंने y1 में x को 0 रखा तो वैल्यू दे रहा है 1, ठीक है। अब हमें चाहिए y2 एट x इक्वल टू 0, जब हम y2 में x को 0 रखेंगे तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, x को सेकेंड इक्वेशन में x को 0 पुट कर दीजिए, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड, यहाँ पे आप 0 रखेंगे, 1 माइनस 0 इज अ 1, y2
देन वाई टू आ जाएगा, यहाँ पे जीरो रखेंगे एक्स को तो कंप्लीट टर्म इज अ जीरो, देन वाई टू आ जाएगा यहाँ से जीरो, समझ गए। तो वाई वन की जीरो वैल्यू एट एक्स इक्वल टू जीरो पे वन आ रही है, इसको आप लिख सकते हो वाई टू एट एक्स इक्वल टू जीरो इज जीरो। अब हमें y3 की वैल्यू चाहिए, वो हम कहाँ से निकालेंगे, इक्वेशन 3 से। यहाँ पे मैं x को जीरो रख देती हूँ, यहाँ पे रखिए पुट x इक्वल टू जीरो, देन 1 माइनस जीरो इज 1, वाई एन प्लस टू माइनस, यहाँ पे x को जीरो पुट करेंगे कंप्लीट टर्म जीरो आ जाएगी, समझ गए। यहाँ पे मैं अगर x को जीरो रखती हूँ तो ये पूरी टर्म हमारी जीरो हो गई, ओके। एंड यहाँ से माइनस एन स्क्वायर वाई एन, इसमें एक्स नहीं है तो ये एज इट इज आ जाएगी इक्वल टू जीरो, ओके। यहाँ से मैं वैल्यू निकाल सकती हूँ वाई एन प्लस टू इक्वल टू एन स्क्वायर वाई एन, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ से मैं वाई थ्री की वैल्यू निकाल सकती हूँ, कब, जब एक्स इक्वल टू जीरो होगा। इसको आप लिख सकते हो वाई एन प्लस टू एट एक्स इक्वल टू जीरो एन स्क्वायर वाई एन जीरो। ये रखने का मतलब क्या है जीरो ब्रैकेट में, कि हमने यहाँ पे एक्स को जीरो पुट कर दिया है, समझ गए। तो अब आप इक्वेशन नंबर 4 ये ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अगर मैं एन की वैल्यू 1 रख देती हूँ कंप्लीट इक्वेशन में तो मुझे वाई थ्री की वैल्यू मिल जाएगी, ओके। यहाँ पे रखते हैं पुट एन की वैल्यू, अब हम एन की वैल्यू रखेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि मैं यहाँ पे nth डेरिवेटिव में एक्स को जीरो पहले ही पुट कर चुके हैं। अब हमें सिर्फ वाई थ्री वाई फोर वाई फाइव वाई सिक्स ये चाहिए, ताकि हम इवन और ऑड पे वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे करना है, n को मैंने 1 रखा इन इक्वेशन 4th, दिस इज इक्वेशन 4th, यहाँ पे रखिए n को 1, वाई 3, 1 प्लस 2 इज 3 इक्वल टू हो जाएगा, आप एन को 1 रख रहे हो यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इंटू वाई 1 0, आप एट 0 पे निकाल रहे हो, ठीक है। अगर आप 0 नहीं भी लिखते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वाई एन और वाई एन 0, यानी x को हमने 0 रख दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए वाई 3 की वैल्यू आ रही है, वाई 1 की वैल्यू कितनी थी यहाँ से 1, 1 स्क्वायर इंटू 1 यानी कि 1 स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं, अगर मैं n की वैल्यू 2 रखती हूँ कहाँ पे, इन इक्वेशन फोर्थ में तो मुझे यहाँ से मिल रहा है y 4, दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू वाई 2 0, ठीक है। अब y 2 0 की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे हम, यहाँ से, ये आप इक्वेशन 5 ले लीजिए, ये आप इक्वेशन 6 ले लीजिए। 5 का यूज़ हमने कहाँ किया, यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 5, और यहाँ पे हम वाई 2 का यूज़ कर सकते हैं, देन वाई 2 इज 2 स्क्वायर इंटू 0, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है तो कंप्लीट वाई 4 हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। वाई 5 निकाल सकते हो, अगर मैं इनको 3 पुट करती हूँ यहाँ पे 4th इक्वेशन में तो मुझे वाई 5 मिल जाएगा, वाई 5 0 इक्वल टू 5 स्क्वायर, सॉरी मैंने कहा क्या पुट किया, 3 पुट किया है, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि y 5 का मत कर देना, n के प्लेस पे हम 3 पुट करेंगे, दिस इज y 3 0, और y 3 की वैल्यू कहाँ से देखेंगे, यहाँ से y 3 हमारा आया हुआ है 1 स्क्वायर, दिस इज y 5 इक्वल टू 3 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर, अंडरस्टैंड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ये आ गई हमारे पास y 5 की वैल्यू, ओके। नेक्स्ट अगर मैं n को पुट करती हूँ 4 तो मुझे n 6 मिल जाएगा, y 6 मिल जाएगा, दिस इज 4 स्क्वायर इंटू y, यहाँ पे मैंने 4 रखा है 4 0, 0 ना भी रखोगे तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे अंडरस्टूड है कि हम x को 0 पुट कर चुके हैं, ठीक है। y 4 की वैल्यू यहाँ पे देखिए आप 0 निकाल चुके हो, तो यहाँ से मैं वैल्यू रखती हूँ 4 स्क्वायर इंटू 0 तो कंप्लीट, यानी y 6 भी हमारा 0 आ जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमारे पास इवन चल रहा है तो क्या वैल्यू आ रही है n, और अगर n ओड चल रहा है देन हमारे पास क्या वैल्यू दे रहा है, y 1 की वैल्यू, देन इसके बाद हमें वैल्यू मिली थी y 2, एंड दिस इज y 3, दिस इज़ वाई 4, 5 एंड 6, 6 तक हमने निकाल ली है यहाँ पे, और मैं वाई एन की वैल्यू बतानी है। अब देखिए यहाँ पे वैन एन इज ऑड मीन्स जब हम एन को पुट करते हैं 1, 3,
फाइव, जहाँ पे वाई वन निकल रहा है, वाई थ्री की वैल्यू आ रही है, वाई फाइव की वैल्यू आ रही है, तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? वाई वन पे देखिए, वाई वन अगर हमने निकाला तो वन आ रहा है, वाई थ्री हमने फाइंड आउट किया तो वन स्क्वायर, मीन्स दोनों में वैल्यू सेम दे रहा है, वाई वन पे, वाई वन पे दे रहा है वन, वाई थ्री की वैल्यू वन स्क्वायर, वाई फाइव की वैल्यू वन स्क्वायर इंटू थ्री स्क्वायर। ठीक है, अगर आप वाई सेवन की निकालते हैं, करके भी देख सकते हैं, वाई सेवन अगर आप फाइंड आउट करेंगे यहाँ से, तो एन की वैल्यू क्या रखेंगे? फाइव रखेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा वाई सेवन इक्वल टू, दिस इज़ वाई फाइव, और वाई फाइव की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल रखी है, वन स्क्वायर इंटू थ्री स्क्वायर इंटू, यहाँ पे एन स्क्वायर की जगह पे रखेंगे हम फाइव इंटू फाइव स्क्वायर। जैसे आपने वाई सेवन निकाला, फाइव स्क्वायर यानी इससे दो पीछे तक हमारे स्क्वायर आ रहे हैं, अंडरस्टैंड, वन स्क्वायर थ्री स्क्वायर फाइव स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं वाई एन निकालती हूँ अप टू सॉन, वाई एन निकालती हूँ कब? जब एन और दे रखा है, देन क्या आ जाएगा? वन स्क्वायर थ्री स्क्वायर इंटू फाइव स्क्वायर अप टू सॉन एन माइनस टू स्क्वायर, बिकॉज सेवन निकाल रहे हैं तो फाइव तक आ रहे हैं, फाइव निकाल रहे हैं तो थ्री के स्क्वायर तक जा रहे हैं, ओके। एंड वन एन इज इवन, अगर इवन लेते हैं एन को, तो वाई टू पे देखिए, वाई टू पे वैल्यू जीरो, एंड वाई फोर पे वैल्यू जीरो, वाई सिक्स पे वैल्यू जीरो। तो जब हम वाई एन को इवन ले रहे हैं तो वाई एन की वैल्यू क्या आ रही है? जीरो आ रही है। देन इस तरीके से आपको वाई एन निकालना है, कब? जब आपको एक्स को जीरो पुट कर देना है। हर क्वेश्चन में यही मेथड अडॉप्ट करना है, इसी मेथड से आपको क्वेश्चन निकालने हैं, ठीक है। सिर्फ दिक्कत कहाँ पे आती है, इसमें प्रॉब्लम आती है जब आप एन को यहाँ पे ओड में लेके चलते हो और आप वाई एन निकालते हो, इवन में मतलब सिमेट्री बनाने में प्रॉब्लम आ सकती है कि हम यहाँ पे ये कैसे दिखाएंगे कि वाई एन की वैल्यू एन माइनस टू तक जा रही है। तो ये आपके पास मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे हमें पता चल रहा है वन स्क्वायर थ्री स्क्वायर फाइव स्क्वायर, तो जैसे आप वन एन एथ तक जाते हैं एन माइनस टू स्क्वायर तक आ जाएगा, बिकॉज सेवन में टू लेस जा रहा है, फाइव में टू लेस का स्क्वायर जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप सिमेट्री बनानी है, तो आप इसके क्वेश्चन जो है वो खुद ट्राई करने पड़ेंगे। 2.5 एक्सरसाइज के जो बाकी के क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ मैं आपको, ताकि मेथड अच्छे से क्लियर हो जाए, और जो बाकी के क्वेश्चन है उसकी मैं PDF बना के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लेना, क्योंकि सारे क्वेश्चन करवाना इम्पॉसिबल है, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन है और लेक्चर बहुत लेंथी हो जाता है, ठीक है। तो मेथड क्लियर कर लीजिएगा, क्वेश्चन आप इजीली यहाँ पे समझ सकते हैं, और उनका सोल्यूशन मैं डाल सकती हूँ PDF बना के, वहाँ पे आप चेक कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन सेवन देखिए 2.5 का, इफ़ वाई इक्वल टू ई रेज टू पावर ए साइन इनवर्स एक्स। अभी हमने इसी लेक्चर में जो लास्ट 2.4 के लास्ट क्वेश्चन थे, वहाँ पे हमने ये क्वेश्चन स्टेटमेंट देखी भी थी, सेम टू सेम। प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस टू, यानी कि हमें सेकंड डेरिवेटिव निकाल के एन डेरिवेटिव निकालना है। इसके बाद डिड्यूस दैट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वाई एन प्लस टू बाई वाई एन, यानी कि वाई एन प्लस टू बाई वाई एन पे अगर हम एक्स की लिमिट जीरो अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आना चाहिए एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और फाइंड आउट करना है वाई एन जीरो, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले तो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, स्टेटमेंट दे रखी है ए साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। डिफरेंशिएट करते वाई वन ई रेज टू पावर ए साइन इनवर्स एक्स इंटू ए अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, देन प्रोसीजर होता है कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, और अंडर रूट है तो स्क्वायरिंग करेंगे, तो मैं इकट्ठा ही कर रही हूँ, वन माइनस एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया और मैंने इसका स्क्वायर भी कर दिया, ई रेज टू पावर ए साइन इनवर्स एक्स का भी स्क्वायर हो जाएगा और इंटू ए स्क्वायर, समझ गए। इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और बोथ साइड स्क्वायर अप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ से देखिए वाई की वैल्यू ई रेज टू पावर ए साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, ये आ जाएगा ए स्क्वायर, और इसको वाई रखा तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है। अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं, वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन स्क्वायर चल रहा है, इसको हम इक्वेशन ले लेते हैं फर्स्ट, दोबारा से डिफ्रेंशिएट कीजिए, वन माइनस एक्स स्क्वायर टू इंटू वाई वन इंटू वाई टू, वन माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, इसका करेंगे हम टू वाई वन इंटू वाई टू, एंड वन माइनस टू एक्स वाई वन स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू टू वाई वाई वन, कैंसिल कर दीजिए, टू वाई वन टू वाई वन टू वाई वन, वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर वाई वन, कैंसिल वाई बच जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी क्वेश्चन नंबर सेकंड।
अब हम इसका लैबनीज थर्म अप्लाई करके एनर डेरिवेटिव में डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप निकाल सकते हैं क्योंकि हम लास्ट एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। ये मैंने एज इट इज लिखा है, कब जब डिफरेंशिएट करेंगे इसको एन टाइम्स बाय लैबनीज थ्योरम, दिस इज माइनस टू एन प्लस वन इंटू एक्स वाई एन प्लस वन माइनस एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई एन इक्वल टू ज़ीरो। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड रखते हैं। अब हमें क्या चाहिए, जब मैं एक्स को जीरो वैल्यू रखती हूँ, एक्स की वैल्यू जीरो रखती हूँ, तो मुझे वाई एन प्लस टू अपन वाई एन की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड और थर्ड है, इसमें आप एक्स को जीरो रख दीजिए, पुट एक्स इक्वल टू ज़ीरो इन इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट में देखिए क्या वैल्यू आती है, जीरो रखा, वन इंटू वन माइनस जीरो इज ज़ीरो, यहाँ से आ जाएगा वाई वन स्क्वायर। ठीक है, एंड यहाँ से अगर आप यहाँ पे जीरो रख रहे हैं y1, तो यहाँ पे भी आप क्या रखेंगे, y ऑफ ज़ीरो का मतलब y की वैल्यू क्या है, या आप इसमें रख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको y पुट कर दिया है, आप इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, इसमें आप जीरो रख सकते हैं y x को जीरो, यहाँ पे हमने जीरो रखा, वाई वन स्क्वायर रह गया। इधर रखिए आप, जैसे आप एक्स को जीरो रखेंगे, साइन इनवर्स जीरो इज़ ज़ीरो, ई रेज़ टू पावर ज़ीरो इज़ वन, देन यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर, देन वाई वन की वैल्यू आ गई ए। ठीक है, एंड सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं, ज़ीरो दिस टर्म इज़ ज़ीरो एंड दिस इज़ वाई ऑफ ज़ीरो, यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, वाई ऑफ ज़ीरो की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, देन वाई वन की वैल्यू हमारे पास ए आ जाती है। नेक्स्ट टाइम हम एन को जो एक्स को जीरो रखेंगे इन सेकेंड इक्वेशन, मीन्स दिस इक्वेशन, एक्स को जीरो रखते हैं, यहाँ से आ जाएगा वाई टू इक्वल टू, ये ज़ीरो हो जाएगा पूरा फैक्टर, यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर y ऑफ ज़ीरो, और y ऑफ ज़ीरो की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, यहाँ पे अगर मैं x को जीरो पुट करती हूँ तो y ऑफ ज़ीरो आएगा, दैट मीन्स e रेज टू पावर a साइन इनवर्स ज़ीरो, और e रेज साइन इनवर्स ज़ीरो ज़ीरो, e रेज टू पावर ज़ीरो इज़ वन, तो y ऑफ ज़ीरो की वैल्यू आ जाएगी वन। ठीक है, यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, तो y टू की वैल्यू इज़ ए स्क्वायर इंटू वन, दैट मीन्स, एंड नेक्स्ट टाइम हम इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे, एक्स को जीरो, यहाँ पे आप जीरो रखेंगे वाई एन प्लस टू, यहाँ पे एक्स को जीरो रखते हैं, कंप्लीट टर्म इज़ ज़ीरो, एंड ये आ जाएगा वाई एन प्लस टू इज इक्वल टू, एट जीरो पे निकाल रहे हैं, एक्स इक्वल टू जीरो पे आप इसको रखोगे वाई एन प्लस टू एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो, दिस इज इक्वल टू, इसको आप राइट हैंड साइड पे ले आइए, एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई एन ज़ीरो। ठीक है, अब हमें वाई टू तक वैल्यू निकालनी है, कब जब एक्स को हमने जीरो रखा, अब मुझे वाई यहाँ पे चाहिए वाई थ्री, मीन्स यहाँ पे मैं एन को पुट करूँगी वन टू थ्री फोर फाइव अप टू सेवन, जैसे ही मैं एन को वन पुट करती हूँ मुझे यहाँ से मिलेगा वाई थ्री एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पे आ जाएगा वन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एन को हमने क्या रखा है वन रखा है, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है, एन को वन रखा है, कहीं यहाँ पे आप थ्री स्क्वायर कर दो। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा y1 ऑफ ज़ीरो, y1 ज़ीरो की वैल्यू यानी कि y1 की वैल्यू इज a, देन y3 एट x इक्वल टू ज़ीरो, दिस इज a इंटू वन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, जैसे ही आप n को टू रखते हैं, n को अगर मैं टू वैल्यू पुट करती हूँ यहाँ पे, देन y4 ज़ीरो एट x इक्वल टू ज़ीरो पे n स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू वाई टू ज़ीरो, और वाई टू ज़ीरो की वैल्यू मीन्स वाई टू की वैल्यू ए स्क्वायर, देन वाई फोर एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो इज़ ए स्क्वायर, इसको मैं पहले लिख देती हूँ एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम एन को आप रखेंगे थ्री, थ्री रखेंगे देन वाई हमें यहाँ से फाइव मिलेगा, वाई फाइव ज़ीरो एंड थ्री स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ से y30, और y30 की वैल्यू कितनी है, दिस इज़ a इंटू वन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू थ्री स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आ जाएगी y5 की वैल्यू, एंड यहाँ पे हम n को 4 रखते हैं, हमें वैल्यू मिलेगी y6 की, यहाँ पे n को 4 रखी y6 हो गया, यहाँ से आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू y40, और y40 की वैल्यू ये रही, यहाँ पे पुट करेंगे देन वाई सिक्स जीरो आ जाएगा, यहाँ से वाई फोर रख लेते हैं पहले, ए स्क्वायर इंटू
यहाँ पे एन स्क्वायर कैसे आ गया भाई, वाई टू की वैल्यू हमने यहाँ पे एन को टू रखा था ना, तो यहाँ पे टू स्क्वायर लेंगे हम, टू स्क्वायर, दिस इज टू स्क्वायर, देन टू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू फोर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ये वाई सिक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। और अब हमें चाहिए, सबसे पहले आप लिमिट निकाल लीजिए वाई एन प्लस टू बाई वाई एन, देन यहाँ से देखिए वाई एन प्लस टू, आप इसको करेंगे वाई एन प्लस टू डिवाइड बाई वाई एन इक्वल टू, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे क्या रह जाएगा, एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो एट एक्स इक्वल टू जीरो, आप इसको लिख सकते हो जब मैंने एक्स को जीरो रखा देन वाई एन प्लस टू डिवाइड बाई वाई एन की वैल्यू आ रही है एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यही आपको यहाँ से प्रूव करना था, तो ये तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा डायरेक्ट ही। अब हमें वाई एन की वैल्यू चाहिए, जब यहाँ से एन की वैल्यू ओड चल रही है, यहाँ पे देखिए हमें चाहिए वाई एन इक्वल टू वन थ्री फाइव, इस तरह से वाई वन की वैल्यू क्या है, ये रही वाई वन इज अ ए, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं वाई वन की वैल्यू है ए, और वाई थ्री, फिर हमें वाई फाइव मिल गया, देन व्हेन एन इज ऑड देन वाई एन, मीन्स जब एन हमारा वन होगा वाई वन वाई थ्री वाई फाइव, देन वाई एन क्या बनेगा, ए इंटू वन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखेंगे कि ये स्टेप थ्री में भी आ रहा है और यही का यही फैक्टर फाइव में भी आ रहा है, तो ये nth में भी जाएगा इंटू थ्री स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस अप टू सोन, मैं यहाँ लिख रही हूँ इधर ये स्टेप ये आ जाएगा, यहाँ पे देखिए फाइव कर रहे हो तो यहाँ पे थ्री स्क्वायर आ रहा है, थ्री कर रहे हो वाई थ्री निकाल रहे हो तो यहाँ पे वन स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा एन माइनस टू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज द लास्ट टर्म, देन वाई एन की वैल्यू मिल गई। और अगर एन हमारा इवन है मीन्स वाई टू की वैल्यू है ए स्क्वायर, वाई फोर वाई सिक्स, देन वाई एन क्या आ जाएगा, वैन एन इज इवन देन वाई एन की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर इंटू टू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू फोर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस अप टू, मल्टीप्लाई में चल रहा है ये, है ना, प्लस नहीं मल्टीप्लाई में चल रहा है, देखिए यहाँ पे सारे फैक्टर मल्टीप्लाई में, ओके तो यहाँ से आ जाएगा इंटू एन माइनस टू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, समझ गए। तो यहाँ से आपको सिमेट्री देखनी है कि अगर आप सिक्स वाई सिक्स निकाल रहे हो तो फोर स्क्वायर तक जा रही है टर्म, ठीक है, तो इस तरह से आपको वाई एन फाइंड आउट करना है। और इसके जो बाकी के क्वेश्चन हैं, मीन्स इसमें सात क्वेश्चन, पता नहीं शायद आठ क्वेश्चन है, इसके बाकी क्वेश्चंस मैं पीडीएफ बना के लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, उसका सोल्यूशन आप वहाँ से चेक कर लेना एंड इसको ट्राई कीजिए। कल हम अलजेब्रा क्लास लेंगे।